शुभ मंगल ज्यादा सावधान, डायरेक्टेड बाय हितेश कैवल्य, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, गजराज राव, नीना गुप्ता, मनु ऋषि चड्ढा और इनके अलावा और भी कई सारे मंझे हुए सह कलाकार हमें इस पूरी फिल्म में नजर आते हैं। शुभ मंगल सावधान का ये सिक्वल है या स्पिन ऑफ जो भी कहिए। तो आज सुबह सबसे पहले मैंने यही फिल्म देखी 9 बजे। थिएटर में कोई भी नहीं था, मैं मुश्किल से कुछ 7-8 लोग थे, उनमें से भी एक दो दो कपल ही थे जिनको फिल्म से कोई मतलब नहीं था। तो फिल्म देखकर आने के बाद में अभी मैंने बैठा, भूत अभी तक मैंने देखी नहीं है, तो ये वीडियो बनाने के बाद अपलोड करके तुरंत मैं जाने वाला हूँ भूत देखने। तो फिल्म देखकर आने के बाद में ये देखिए, मैंने अभी 8 पन्ने भरकर मैटर लिखा है इसका, तो काफ़ी सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस फिल्म के विषय के बारे में, फिल्म के बारे में भी। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले संक्षेप में ये फिल्म कैसे थी अगर आपको बताना हो तो, जहाँ तक बात एंटरटेनमेंट की, तो फिल्म में जो फैमिली ड्रामा दिखाया है वो हमें एंटरटेन करता है, वो फनी था, हमें हंसाता है, क्योंकि जो परिवार दिखाया है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार दिखाया है और उस परिवार को देखकर हमें एक अपने परिवार की तरफ फील आता है। जो पारिवारिक थोड़ी सी नोकझोंक, खट्टी मीठी नोकझोंक जो फिल्म में दिखाई है, खासतौर पर गजराज राव और मनु ऋषि चड्ढा इन दोनों के बीच में, इन दोनों भाइयों के बीच में, वो फिल्म हमें एंटरटेन करती है। और गजराज राव तो सही मायने में देखा जाए तो वे ही इस फिल्म के असली हीरो है। अब एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर, उसका नाम है कार्तिक, उसके पिता लुहार थे और अनपढ़ लोगों को तो कोई समझा कर फ़ायदा होता नहीं है, वो बेवकूफ़ होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से तो ये फिल्म नहीं कहती पर जेंटली सौम्य रूप से फिल्म का यही कहना है। तो इस वजह से कार्तिक के पिता को फिल्म में कहीं पर दिखाया ही नहीं है। उसके पिता लुहार थे तो दिन रात मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे कि जिस तरह से घर चलाने के लिए। पर बेटे का कहना था कि वो गे हैं, तो एक दिन बचपन में उसके पिता अपने बेटे को बहुत मारते हैं और फिर बेटा परेशान होकर, दुखी होकर पिता की मार से वो शायद घर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि पूरी फिल्म में उसके पिता को कहीं पर दिखाया ही नहीं गया। और जहाँ तहाँ अब ये कार्तिक अपने उन मेहनत करने वाले पिता को नीचा दिखाता रहता है लोगों के सामने, और इसमें वो बहुत बड़प्पन महसूस करता है। दूसरी तरफ है जितेंद्र कुमार यानी अमन त्रिपाठी, यानी कार्तिक का लव इंटरेस्ट, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उनके बीच में प्यार कैसे हुआ ये तो फिल्म में हमें नहीं बताया गया, फिल्म की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब शुरुआत में ही जो अमन त्रिपाठी के पिता है यानी गजराज राव, उन्होंने ये पात्र निभाया है, वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं, कार्तिक और अमन को। अब गजराज राव को फिल्म में एक वैज्ञानिक दिखाया है, उन्होंने गोभी की एक नई प्रजाति को खोजा होता है, काली गोभी, और उनका कहना होता है कि भाई इस गोभी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ सकते, कोई जर्म्स वगैरह उसमें कुछ भी लग नहीं सकता। तो इस उनकी खोज को, इस काली गोभी को फिल्म में प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है। फिल्म के आखिर में कार्तिक यानी आयुष्मान खुराना उस गोभी को ऐसे फोड़ कर दिखाता है गजराज राव के पात्र को कि देखो इसमें जो उसमें फिर हमें कीड़े दिखाई देते हैं, इंग्लिश में उनको आड़ई कहते हैं, हिंदी में वॉर्म्स कहते हैं। तो वो कहता है कि देखो तुम कितनी भी साइंटिफिक खोज वगैरह कुछ भी कर लो, नेचर को तुम, जो नेचुरल चीज़ें होती है उनको तुम रोक नहीं सकते हो, और इसमें देखो कीड़े कितने ऐसे छटपटा रहे हैं, इन बातों को तुम रोक नहीं सकते हो। तो फिल्म का ये कहने का उद्देश्य है कि भाई समलैंगिकता नेचुरल है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं। अब अमन का जो पात्र है उसका पूरा परिवार हमें फिल्म में दिखाया है, उसके माता पिता, उसके चाचा चाची, चचेरी बहन, पूरा एक जॉइंट फैमिली उनकी फिल्म में हमें दिखाई है। अब अमन के पिता यानी गजराज राव, उनको कॉलेज में एक लड़की पसंद आती थी और अभी भी शादी के 35-40 साल बाद भी उस लड़की के फोटो अपनी अलमारी में रखे हुए हैं और अभी भी उन फोटोज को वो देखते हैं। अब अमन की जो माँ है यानी नीना गुप्ता, उन्होंने ये पात्र निभाया है, उनको भी कॉलेज में एक लड़का पसंद आता था और अभी भी वो फेसबुक पर उस लड़के का नाम सर्च करती है शादी के 35-40 साल बाद भी। तो ऐसे अमन के माता पिता फिल्म में दिखाए हैं। देखिए समलैंगिकता को प्रमोट करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है, तो समलैंगिकता के विरोध में जो जो भी बातें कही जाती है उनको काउंटर करने वाली बातें फिल्म में अलग अलग सीन्स के द्वारा हमारे सामने रखी गई है। जैसे कि जो किसी से जब प्यार होता है, जो तो शरीर में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो केमिकल्स पैदा होते हैं, उनके लंबे चौड़े नाम फिल्म में बताए गए हैं, या जो गूगल के कुछ आर्टिकल्स वगैरह है उनमें ये नॉर्मल है, ये कोई डिसीज़ नहीं है वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह पर ये सारी बातें फिल्म में कही गई है। देखिए समलैंगिकता को प्रमोट करने वाली फिल्में इससे पहले भी बॉलीवुड में बनती रही है, जैसे कि देखिए एक आयम नाम की फिल्म आई थी शायद 2010 में, उसमें 4 शॉर्ट फिल्म थी, उसमें से एक शॉर्ट फिल्म गे राइट्स पर आधारित थी। उसके अलावा मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, उसका हमने रिव्यू भी किया हुआ है। इनके अलावा डोंट नो व्हाई, ना जाने क्यों, ये भी एक गे राइट्स पर आधारित फिल्म है, और भी कुछ ऐसी फिल्में हैं पर ये सभी नॉन कमर्शियल फिल्में थी। पर जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 377 में बदलाव किया गया, उसके बाद से हमें समलैंगिकता पर कमर्शियल फिल्में भी देखने को मिल रही है, जैसे कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या फिर अभी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान।
वैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 में केवल जो दो वयस्कों के बीच में जो समलैंगिक शारीरिक संबंध होते हैं, सेक्स होता है, उसको ही अपराध की श्रेणी से बाहर रखा है। पर अभी भी आर्टिकल 377 में जो बेस्टिलिटी होती है, पशु संभोग होता है या छोटे बच्चों के साथ में जो सेक्स किया जाता है, उनको अभी भी अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के कई सारे देशों में पशु संभोग को कानूनी मान्यता है, लीगल है। जैसे कि वॉशिंगटन में कुछ साल पहले तक भी एक एनिमल ब्रोथल था जहाँ पर पैसे देकर पशुओं के साथ में संभोग किया जाता था। या फिर कई सारे लिबरल्स बेस्टिलिटी का सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि 2015 में डेनमार्क में जो वहाँ की लिबरल अलायंस नाम की पार्टी है, उन्होंने बेस्टिलिटी के सपोर्ट में वोट किया था, ये कहकर कि भाई आप इस प्रकार से मोरल पोलिसिंग वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा कहकर। ये तो कुछ भी नहीं है, पीडोफिले यानी छोटे बच्चों के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का समर्थन करने वाले तक दुनिया में कई सारे संगठन हैं। इनमें से कुछ संगठन अपने आप को सदाचारी पीडोफिले तक कहते हैं। ऐसे 50 संगठनों के नाम मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में दिखाए भी थे, उस वीडियो का नाम है ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड जेंडर्स। वो वीडियो आप हमारा ज़रूर ज़रूर देखिए, जो 10-15 प्रकार के जेंडर्स, 10-15 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोजे गए हैं लिबरल्स के द्वारा, उन सबको मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। देखिए, समलैंगिकता पर अगर अपना ओपिनियन मैं आपको बताऊं तो कौन किसके साथ सो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अपने रूम में, पर्सनल लाइफ में किसके साथ सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और अभी तो कानूनी मान्यता भी मिल गई है, पर इन बातों को प्रमोट करने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और समलैंगिकों को उनके थॉट्स को दूसरों पर थोपने का भी कोई अधिकार नहीं है। देखिए, इन लिबरल्स ने जो 10-15 प्रकार के जेंडर्स खोज के रखे हैं या 10-15 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज कर रखे हैं, उनकी वजह से आज वेस्ट में, पश्चिमी देशों में कई सारे बच्चे अपने जेंडर को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि उनके जो माता पिता, जो अपने आप को बहुत लिबरल मानते हैं, ऐसे माता पिता, ऐसे लिबरल पेरेंट्स बचपन से ही उन बच्चों को उनका जेंडर बताते ही नहीं है, उनके जेंडर के अनुसार उनको ट्रीट ही नहीं करते। और इसको कहा जाता है जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग। आप गूगल पर सर्च करिए, इसकी भयानकता आपको समझ में आएगी। ऐसे जो लिबरल पेरेंट्स होते हैं ना, उनका ये मानना होता है कि भाई जैसे कोई कोई बच्चा लड़का है, उसका लिंग भले ही लड़के का हो, पर हो सकता है कि वो अंदर से लड़की हो, इसलिए वो उस लड़के को लड़के की तरह ट्रीट ही नहीं करते। या कोई बच्चा लड़की हो तो उसको वो लड़की की तरह ट्रीट ही नहीं करते, विचित्र से कपड़े उनको पहनाएंगे, उनके जेंडर के अनुसार उनको कपड़े भी नहीं पहनाते। और ये करने में उनको वो अपने आप को बहुत फ्रीडम महसूस करते हैं, इसको वो फ्रीडम कहते हैं। और ऐसे जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग के कंसेप्ट के द्वारा बड़े किए गए बच्चे फिर अपने जेंडर को लेकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई हाँ भाई, मुझे भी कोई सेक्सुअल प्रिफरेंसेस चुनना चाहिए। भले ही वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, पर वो मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते हैं। और फिर वो अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस कौन सा है ये खोजने के लिए फिर अलग अलग लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में सेक्स कर, मतलब कोई लड़का ये सोचता है कि भाई मैं गे हूँ या नहीं, चलो मैं एक दो लड़कों के साथ में सेक्स करके देखता हूँ, फिर एक दो लड़कियों के साथ में सेक्स करके देखता हूँ, फिर मैं तय करूंगा मैं गे हूँ या नहीं। और ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। कई सारी ऐसी विदेशों की वेब सीरीज में, फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स मिल भी जाएंगे। और अभी मैंने एक धनुष की ही फिल्म देखी थी, भारत के जो धनुष है, साउथ के एक्टर, उनकी एक फिल्म में एक कैरेक्टर था, फिल्म की लीड एक्ट्रेस की वो रूम पार्टनर थी वो कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर ये कहती है कि भाई मैं दो तीन लड़कियों के साथ में वो सेक्स करके देखती है, ये देखने के लिए कि भाई वो लेस्बियन है या नहीं, ये वो अपना सेक्सुअल प्रिफरेंस तय नहीं कर पा रही थी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्राकृतिक है, क्या ये नैसर्गिक है? आप क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं बचपन से ही, उनके दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हो? उनको बड़ा होने दो, फिर वो तय करेंगे ना उनको क्या होना है क्या नहीं होना है। आज पश्चिमी देशों में इस समस्या की वजह से लोग कितने परेशान हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय को सबके सामने रखा था, वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो होमोसेक्सुअलिटी है या फिर जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग है, इनसे जुड़े जो भी लिबरलिज्म की चीज़ें हैं, इन सबको ये वामपंथी और लिबरल्स क्यों प्रमोट करते हैं, इसमें इनका क्या लाभ है? ये सवाल सबके मन में आता है। इसके पीछे का कारण जब आप जानेंगे ना, तो आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। अब देखिए, ये सब क्यों हुआ। देखिए, ये जो लेफ्ट की, कम्युनिज्म की, वामपंथियों की विचारधारा है, इन्होंने सबसे पहले सत्ता पाने के लिए, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात की, लोगों को साम्यवाद के, समानता के झूठे सपने दिखाए, और इसका उनको लाभ हुआ भी, उनको सत्ता मिली भी थी। पर उसके बाद में क्या हुआ, जिन जिन देशों में इन कम्युनिस्टों का शासन रहा, उन उन देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। 110 मिलियन लोगों की इन्होंने अलग अलग देशों में हत्या की है, और इसलिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने इस कम्युनिज्म की विचारधारा को लात मार के अपने देशों से बाहर निकाल दिया है। गिने चुने 4-5 देश ही बचे हैं पूरी दुनिया में जहां पर कम्युनिज्म की ये विचारधारा हमें देखने को मिलती है। पर इसके बाद भी वामपंथियों ने हार नहीं मानी, वो कोई समाज से गायब तो नहीं हो गए थे।
उन्होंने बस अपने पार्टीज के नाम बदल लिए, अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। इसके बाद उन्होंने जो अगली चाल चली वो है कला और साहित्य के क्षेत्र पर कब्जा करना। और इस कला, मतलब पहले से ही था, पर उसके बाद में और प्रॉपर सिस्टमेटिकली उन्होंने ये सब किया। कला और साहित्य के क्षेत्र के जरिए उनके द्वारा जो 110 मिलियन लोगों की बहुत ही निर्ममता से हत्या हुई थी, उन सब बातों को छुपा छुपा कर, अपनी विचारधारा की नाकामी को छुपा कर, उन्होंने बार 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 हिटलर को कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा लोगों के सामने रखा। किस लिए? राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को एक बहुत घिनौनी चीज की तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई राष्ट्रवाद को, राष्ट्रवाद की बात तो बस स्काउंडरल लोग करते हैं, ये तो उनका बस लास्ट एस्केप होता है, मतलब वगैरह वगैरह जो भी बातें कही जाती है। तो इन सब बातों को से बड़ा सिस्टमेटिकली कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा प्रमोट किया गया, और ये आज भी हो रहा है। आज भी बस आपने देखा होगा, अभी अभी जोजो रैबिट फिल्म आई, या बस बार 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 बस हिटलर को सामने रखकर इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती है। हालांकि आज हिटलर हो या नाजी पार्टी हो, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, पर कम्युनिस्टों का अस्तित्व आज भी है, और आज भी ये कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खून खराबा कर रहे हैं पर उसके उस पर कभी भी कोई फिल्म नहीं बनाई जाती, गिनी चुनी एक दो ही फिल्में बनी है। इसके बाद में फिर धीरे धीरे शुरू हुई लिबरलिज्म की मूवमेंट, फिर कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा युवाओं के सामने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को, परंपराओं को, संयमी जीवन पद्धति को, सदाचार को, इन सब बातों को एक रूढ़िवादी, दकियानुसी, पिछड़ा हुआ, रिग्रेसिव, इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाने लगा युवाओं के सामने। और इसी के अपोजिट वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, इन सब बातों को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, प्रमोट किया जाने लगा। और देखिए, जब हम युवावस्था में होते हैं ना, तो अपने आप हमारा मन भोगवासना की तरफ, असंयमी जीवन जीवन की तरफ आकर्षित होता है। एक स्वाभाविक मन का स्वभाव होता है, जब भी पेरेंट्स हमें डांटते हैं, टोकते हैं, या कोई संयम सदाचार की बात करता है, तो हमें गुस्सा आता है कि यार ये कौन होता है हमें बताने वाला, हम क्या करें, हम जैसा चाहे अपनी लाइफ जी सकते हैं, मेरी मर्जी। तो इसका इन वामपंथी और लिबरल्स ने उपयोग किया। पर देखिए, जब वन नाइट स्टैंड वगैरह इन जैसी बातों को, इन जैसी अनैतिक बातों को प्रमोट करना हो, तो डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जा सकता। ये लोग तो बेवकूफ कहेंगे ना कि यार ऐसी अनैतिक बातों को कैसे कोई प्रमोट कर सकता है। तो इनको प्रमोट करने के लिए किसी न किसी की आड़ में छुपना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और फिर इसलिए वामपंथी और लिबरल्स ने इस प्रकार की अनैतिक और असंयमी जीवन पद्धति को प्रमोट करने के लिए ये कभी फेमिनिस्टों की आड़ में छुपते हैं, कभी समलैंगिकों को अपनी ढाल बनाते हैं, उनकी आड़ में छुपते हैं। क्योंकि जब किसी वर्ग को कमजोर दिखाकर फिर प्रोपेगेंडा को स्प्रेड किया जाता है ना, तब कोई विरोध नहीं कर पाता, और अगर कोई विरोध करता भी है तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है। दोस्तों, इस सब की शुरुआत अमेरिका में आज से करीब 50-60 साल पहले हुई थी, और इस वजह से वहां की एक पूरी जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका शिकार रहा है। और ये बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग्स पार्टी कर करके अपने सारे पैसे फूंक चुका है, उनके जीवन को कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन है, अनिद्रा के शिकार है, जीवन से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है, और उनके पेरेंट्स ही उनको अपनाने से आज मना कर रहे हैं। और अपने इस जीवन की बर्बादी के लिए कभी वो सरकार को गाली देंगे, कभी वो समाज को गाली देंगे, कभी वो पेरेंट्स को गाली देंगे। और इस वजह से आपने देखा होगा अमेरिका में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर ज़्यादातर भारतीय हमें दिखाई देते हैं, या एशियन कंट्रीज से हमें कई सारे लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वे ज़्यादातर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से ही रहते हैं, क्योंकि इन देशों में आज भी पारिवारिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। माता पिता आज भी अपने बच्चों को डांटते हैं, बच्चों में वो डांट सहने की क्षमता है, पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का महत्व वो समझते हैं। और इसी वजह से आज अमेरिका में जिन लोगों को राइट विंग या फिर कंजर्वेटिव कहा जाता है, उनकी आवाज़ आज हमें वहां पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लोग भी इस लिबरलिज्म से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और लिबरलिज्म ये शब्द आज एक गंदी गाली बन चुका है, केवल अमेरिका ही नहीं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज या इस प्रकार की पश्चिमी सभ्यता को जो लोग फॉलो करते हैं, सभी। एक ना एक समय जीवन में ऐसा आता है जब आदमी, जब पूरी तरीके से जीवन को एक बहुत बड़ा झटका देता है ना, तब आदमी को समझ आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि अमेरिका में, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में या कला और साहित्य के क्षेत्र में जो ये लिबरलिज्म की मूवमेंट 50-60 साल पहले शुरू हुई थी, वो भारत में करीब 10-15 साल पहले शुरू हुई है। उसके पहले की फिल्में आप देखिए, भारतीय फिल्में, उनमें एक पारिवारिक मूल्य या जो फिल्म का हीरो होगा वो नैतिक मूल्यों का, सदाचार का, इन बातों का सम्मान करने वाला हमें दिखाया जाता था। पर उसके बाद जो फिल्में आई है पिछले 10-15 सालों में, उनको आप देख लीजिए, या हाल ही की कुछ उदाहरण आप ले लीजिए, फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज, या फिर लव स्टोरीज, या वैदिक वेडिंग, ये हाल ही के मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, और भी ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो अनैतिक बातों को प्राउडली प्रमोट किया जा रहा है,
और भारत के जो वामपंथी और लिबरल्स है वो अमेरिकन लिबरल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ के वामपंथी भी हम देखते हैं कई बार गरीब और पिछड़े वर्ग की आड़ में छुपते हैं, उसके बाद हमने देखा कभी वो स्टूडेंट्स की आड़ में छुपते हैं, कभी फेमिनिस्टों की आड़ में छुपते हैं, कभी यहाँ तक कि वो जो समलैंगिक जो LGBTQ कम्युनिटी की परेड मार्च या क्वीर परेड मार्च वगैरह होती है उनके आड़ में भी ये छुपते हैं। और केवल ये भारत में ही नहीं होता, जहाँ पर भी ये जो LGBTQ कम्युनिटी की परेड मार्च वगैरह पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होती है वहाँ पर वामपंथी विचारधारा का वर्चस्व प्रभाव हम साफ तौर पर देख सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर। अभी देखिए दिल्ली में जो क्वीर परेड मार्च हुई थी वहाँ पर भारत माता को गर्लफ्रेंड चाहिए या भगवा और मोदी के खिलाफ भी बहुत ही अभद्र टिप्पणी करने वाले ऐसे कई सारे पोस्टर सामने देखे और भी बहुत सारे विचित्र। मैंने इस पर पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर कश्मीर की आज़ादी के भी नारे लगाए थे, वो वीडियो भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया है। तो ये दिल्ली में हमने देखा, उसके बाद में मुंबई में जो LGBTQ कम्युनिटी के सपोर्ट में भी कुछ रैली प्रदर्शन वगैरह हुआ था वहाँ पर भी शर्जील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुँचाएंगे ये नारे लगे, उस पर भी मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है। तो ये वामपंथी अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए हमेशा किसी न किसी को ढाल बनाते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से सामने आकर ये देश के खिलाफ जहर नहीं उगल सकते। अब दोस्तों ये जो क्वीर परेड मार्च होती है या इस प्रकार की जो भी रैलीज वगैरह होती है उनमें देखना जो लोग शामिल होते हैं वे हमेशा हमारी संस्कृति को, परंपराओं को, पेरेंट्स को, बुजुर्गों को बहुत रूढ़िवादी, दकियानुसी, पिछड़ी सोच वाला बताते हैं, पेट्रियार्कल बताते हैं और डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। उनसे जब आप थिएटर में राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की बात पूछेंगे या फिर भारत माता की जय या वंदे मातरम नारे की बात पूछेंगे तब ये लोग तुरंत कहेंगे कि भाई भाई हमें अपनी देशभक्ति कैसे दिखानी है, तुम कौन होते हो बताने वाले, हाँ हम हमें जैसे चाहिए वैसे हम अपनी देशभक्ति दिखाएंगे और तुम कौन होते हो हम पर राष्ट्रवाद थोपने वाले, हाँ। और कहेंगे क्या भाई देश की पॉवर्टी लाइन देखो, गरीबी देखो, किसान देखो और तुम ये क्या भारत माता की जय और राष्ट्रगान की बातें कर रहे हो। ये सब हमने देखा, देखो मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब डिबेट्स हमने पिछले 3-4 सालों में देखी है। पर यही लोग ज्यादातर समय सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, सेक्स या LGBTQ कम्युनिटी या बस इसी प्रकार की बातें, इसी प्रकार की रैलीज करते हुए दिखाई देते हैं, तब उनको किसानों की याद नहीं आएगी, तब उनको देश के गरीबों की, पॉवर्टी लाइन की वगैरह कुछ भी याद नहीं आएगी। शायद उनके हिसाब से भारत माता को गर्लफ्रेंड चाहिए पोस्टर पकड़ने से गरीबों का पेट भर जाता होगा। मैं शुभ मंगल ज्यादा सावधान को दूंगा 5 out of 10 stars। दोस्तों ऐसे सभी कूल ड्यूड्स के लिए मैंने अपने पुराने एक वीडियो में एक बात कही थी, वो मैं यहाँ पर आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। और अपने आप को कूल, मॉडर्न और लिबरल समझने वाले युवाओं से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए आपके सेक्सुअल प्रिफरेंसेस को कोई जज नहीं कर रहा, पर फिर आप भी अपने पेरेंट्स को जज मत करिए, उनको फोर्स मत करिए कि वो आपको सपोर्ट करे या वो आपसे कुछ सवाल ना पूछे, नहीं, उनका पूरा अधिकार है आपको सवाल पूछने का। और आप कोई नहीं होते अपने पेरेंट्स को जज करने वाले, आपको कोई अधिकार नहीं है अपने पेरेंट्स को कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होने का सर्टिफिकेट देने का, उनका जीवन है, उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर आपको बड़ा किया है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचे ये आप तय करें, आपको क्या अधिकार है, आपके पेरेंट्स की भी अपनी लाइफ है, आप क्यों उनको जज कर रहे हैं, आप क्यों उनको कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको जैसा सोचना है सोचने दीजिए। आप अगर अपने पैरों पर खड़े होकर खुद का सेक्सुअल प्रिफरेंस आप चूज कर सकते हैं तो भाई अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी आप खुद फेस करिए, वहां पर फिर आप ये मत कहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स को मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई जज ना करे तो आप भी समाज को जज मत करिए, आप भी अपने पेरेंट्स को जज मत करिए, आपकी लाइफ है आप अपने अनुसार खुलकर जिए, फ्रीडम के साथ जिए, कोई मना नहीं कर रहा, पर पेरेंट्स को टॉर्चर मत करिए। वो अपने विचारों के साथ में बड़े हुए हैं, उनके भी अपनी कुछ सोच है, उनके अपने कुछ विचार है, आप क्यों उनके भावनाओं को, उनके विचारों को पैरों तले रोंदना चाहते हैं अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज के लिए। आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज है आप पूरा करिए। और इसके साथ ही एक और बात का ध्यान रखना कि ये सारी बस आपके मन की वृत्तियां है, आपके मन के बस विचार है और ये विचार मन की वृत्तियां समय के साथ बदलते रहते हैं, ये बस कुछ 2-4-5 साल थोड़ा सा जब तक शरीर में ऊर्जा होती है तब तक बस लगेगा अच्छा, बाद में जो लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स है ना उनको सबको फेस करना ही पड़ता है। जय श्री राम, वंदे मातरम।